हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पर हम बात कर रहे हैं। कल हमने नॉर्थ वेस्ट ईस्ट मेथड के बारे में देखा था, आज हम देखते हैं कि लीस्ट कॉर्नर मेथड से किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया जाता है। लीस्ट कॉर्नर मेथड, नाम से पता चल रहा है कि हमें वो मान लेना जो सबसे कम हो, मिनिमाइज। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को जब भी सोल्यूशन करते हैं तो मान हमें मिनिमाइज में ही रखना है। अगर मैक्सिमाइजेशन में है तो मिनिमाइज में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। किस तरह से करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि तीन मेथड है यहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट, लिस्ट और वोकल एप्रोक्सीमेशन मेथड। आज हम लिस्ट मेथड की बात करेंगे। जो भी बीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, प्लस में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए काफी यूजफुल है जिनका ऑप्शनल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है। तो लिस्ट कॉर्नर मेथड से हम किस तरह से सोल्यूशन करते हैं लिस्ट कॉर्नर मेथड से। तो मान लो ये आपके पास एक डिमांड और सप्लाई का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका अगर योग करें तो 34 आ रहा है, इधर भी करें तो भी कितना आ रहा है, 34 आएगा। इधर भी करें तो कितना आएगा, 34 है। तो सबसे पहले लिस्ट कॉर्नर मेथड को पकड़ने के लिए आपको जो भी मान दे रखे हैं उसमें सबसे कम वाले मान को देखना है। सबसे कम कौन सा है, 8। भैया इस पूरे अंदर देखें तो सबसे कम मान 8 है। अब 8 है तो 8 को पकड़ना। इस 8 के इधर देखें 8 और इस साइड देखें 18, कम कौन सा है, 8। तो 8 इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब 8 इसके ऊपर देखेंगे तो 8 इधर चला गया, 8 का 8 तो 0 हो जाएगा, और इधर 8 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 10। अरे भैया ये ऊपर वाला इसमें से घटता है तो 0, ये ऊपर वाला इधर भी घटता है ना, तो 18 में से 8 के 10 बचेंगे, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ 0 कौन बन रहा है, तो W2 क्या हो जाएगा, जो 0 बच रहा है वो खत्म हो जाएगा। अब देख हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया F1, F2, F3, इधर बचा W1, W3, W4, क्योंकि W2 तो हमारा 0 बन के खत्म हो चुका है। तो ये बच जाएगा 19, 50, 10, 70, 30, सॉरी 30 नहीं लेना, 40, 60, 40, 70, 20। तो ये बच गया हमारे पास, ये 5 है, ये 7 है और ये 14 है। इधर अगर देखें तो ये 7 है, ये 9 है, ये 18 की जगह अब 10 है। अब अगर इसका टोटल करें तो आप देखेंगे 12 और 14, और इधर आप देखेंगे 16 और 10, 26 आ रहा है। इधर भी टोटल करें और सप्लाई डिमांड दोनों का टोटल करें तो बराबर आना चाहिए। अब देखो इसके अंदर सबसे कम कौन सा, सबसे कम देखेंगे इस पूरे अंदर लिस्ट का, मतलब ये सबसे 10 है। तो 10 के इधर देखेंगे तो 7, इधर देखेंगे तो 7 और इधर देखेंगे तो 14, तो कम कौन सा है, 7। इसका मतलब 7 में से 7 0, इधर भी देखेंगे 7 कम हो जाएगा, यहाँ 7 बचेगा। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ अब कौन खत्म हो जाएगा, 0 कौन सा हो रहा है, F1 हो रहा है, तो F1 हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, F2, F3, इधर बन गया W1, W3 और W4। तो अब देखो F1 तो खत्म हो गया, F2 कितना है, 70, 40, 60। F3 कितना है, 40, 70 और 20। ये कितना है हमारे पास, 5। ये कितना है, 7। आगे वाला कितना है, 7। ये कितना है, 9 और ये कितना है, 10। अब देखो आप जोड़ के देखो, 14 और 5 19 और 10 और 9 19, ये 19 बराबर। ये जोड़ अगर बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब आप पे बिल्कुल करेक्ट चल रहे। और भैया अगर ये जोड़ आपका सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप इनकरेक्ट चल रहे, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर सबसे कम वाला देखो, पूरे के अंदर सबसे कम देखोगे 20। लिस्ट कॉर्नर मेथड का मतलब कम देखना, अंदर वाले मान 20। 20 के इधर देखो आप 10, इधर देखेंगे 7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 0 और 10 में से 7 घटा देंगे तो 3, यहाँ 3 बचेंगे। तो अब हमारा कौन खत्म हो जाएगा, W 0 इधर बन रहा है, W4 खत्म हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा, F2, F3, W1, W3, 4 तो खत्म हो गया, ये 70, ये 40, ये 40, ये 70।
तो ये कितना है 5, ये कितना है 7, इधर कितना बचा, इधर 9 और इधर हमारा 3, तो ये देखते हैं 12, दोनों इधर भी 12 इधर भी 12 सही चल रहा है। अब देखो कम कौन सा है, कम 40 40 दोनों भी 40 है, चाहे आप यहां ले लें चाहे यहां ले लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी 40 है। अब इस 40 को अगर ले तो इधर देखेंगे तो 7 कम 7 है, इधर 9 है तो 7 की पूरी हो जाएगी, दो बच्चे। अब हमारा खत्म कौन सा हुआ है, 7 में से 7 0 ये खत्म, ठीक है 7 में 7 0। अब हमारे पास क्या बचा, F2 F3, इधर W1 बच गया 70 40, इधर कितना बचा 2 इधर 3 और इधर कितना बच गया हमारा, अब भी देखेंगे तो इधर भी 5 इधर भी 5, इसका मतलब अब आगे नहीं बचा, आगे नहीं बचा ना, ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाला 3, ठीक है। तो अब हमें जितने भी लोकेशन दिए हैं उन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। पहला लोकेशन कितना था 8, टोटल निकालने के लिए टोटल कॉस्ट निकालने के लिए 8 × 8 ऊपर वाले को गुणा करते हैं, यहां हमारा कितना था 10 × 7, यहां कितना था 20 × 7, यहां कितना था 40 × 7, यहां कितना था 70 × 2, आगे कितना है 40 × इट्स ओके। अब देखो 8 का 8 से गुणा करेंगे 64, ये 70, ये 140, आगे 280, 140, 120। अब देखो 4000, तो ये 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 13 17 और 8, 17 और 8 25 29 और 2 31, हासिल 3 1 3 4 5 3 8, ये कितना आएगा 814, कितना आएगा 814 रुपया। इससे हम लिस्ट कॉर्नर मेथड से अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 814 रुपया। कल हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से इसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया था तो 1015 आया, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ लिस्ट वेस्ट कॉर्नर मेथड से कॉस्ट ज्यादा आ रही है, जबकि लिस्ट कॉर्नर मेथड से कॉस्ट क्या आ रही है, कम आ रही है। और अगर हम वोगल्स एक्सप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं तो उससे सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कॉस्ट आती है। तो आज के लिए इतना ही, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यूजफुल है, और बीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफी रामबाण है। इस प्रकार के वीडियो बहुत ही कम चैनल पर आपको उपलब्ध होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये भगवा एजुकेशनल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल सूरतगढ़ है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये सुविधा दी जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा हो सभी स्टूडेंट को, इसलिए चैनल को आप अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल के प्रेस को तो नोट करना है आपको, इसके अलावा भी आपके फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट जरूर हो। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, कल हम देखेंगे कौन सा वोकल एप्रोक्सीमेशन मेथड से किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाता है। धन्यवाद।